आप आपके कंपनी में टाइम कैसा बिताते हैं उसके बारे में आज बातचीत करते हैं। मेरा नाम है डॉक्टर दीपक केळकर। मैं मनोविकार, सेक्स रोग, सम्मोहन तथा व्यसन मुक्ति तज्ञ हूँ। महाराष्ट्र में मुंबई, पुणे, अकोला यहाँ प्रैक्टिस करता हूँ। आप आपके कंपनी में टाइम कैसा बिताते हैं ये बहुत निर्भर है कि आप डेलीगेट कर रहे कि नहीं कर रहे, और आपको एग्जैक्टली करना क्या है। आपके पास में यदि कोई बड़ा पर्पस है, बड़ा कोई गोल है, बड़ा कुछ तो भी करना है, तो फिर आपके कंपनी में टाइम नहीं दोगे। जिसको बहुत बड़ा काम करने का है, बहुत बड़ा सामने पर्पस है, बहुत बड़ी कंपनी लेके जाना है कंपनी को, तो वो कंपनी में जाके बैठेगा नहीं, काम नहीं करेगा, वो हरदम कंपनी के बाहर रहेगा। क्योंकि आपको यदि कंपनी बड़ी करना है तो कंपनी के अंदर रह के नहीं होता, कंपनी के बाहर जाना पड़ेगा। आपके कंपनी में ऐसा कोई जॉब है कि वो जो जॉब बहुत ही स्किलफुल आदमी ने करना चाहिए, एक्सपर्ट आदमी ने करना चाहिए, तो आप उसके लिए स्किलफुल या स्किल पर्सन लगाओ, एक्सपर्ट लगाओ, और वो काम उससे करवा के लो, उसको जो सैलरी देना है सैलरी दो, काम अच्छा होना चाहिए और वो काम कर लेगा, नंबर एक। बाकी सारे ऐसे कुछ काम हो सकते हैं कि अभी आपने काफ़ी साल वहाँ दिए हैं आपके कंपनी में, आपको मालूम है वो कैसे करना है और वो आप कर भी सकते हैं, मगर आपने वो काम नहीं करना चाहिए, क्योंकि आपका एक्सपर्टाइज ऐसे पेटी टास्क, छोटे छोटे टास्क करने में नहीं है आपका एक्सपर्टाइज। आप बहुत अच्छे काम कर सकते हैं तो वो करो। आप कंपनी में बैठ के यदि वो माल आया है कि नहीं, माल गया कि नहीं, वो बाबूलाल आया क्या, छगनलाल गया क्या, अरे वो नल बह रहा है, वो प्लम्बर आया कि नहीं आया, इलेक्ट्रिक का बिल भरा कि नहीं भरा, अरे वो चेक बाउंस होगा कि नहीं होगा, या चेक बाउंस होगा तो उसके लिए हमने कैश डिपॉजिट किया कि नहीं है, मतलब इस तरह के काम वहाँ करके बैठेंगे कि जिसके लिए आप अपॉइंट कर सकते हैं लोग और उनसे ये करवा के ले सकते, तो आपने करना चाहिए। फिर आपने क्या करना है, आप एज एन एंटरप्रेन्योर आपने क्या करना है, आपके पास में दिया टाइम है, आराम करो, आराम करो, घर में जाओ, बच्चों के साथ में खेलो, समुद्र किनारे जाके बैठो, सोचो क्या कर सकते हैं, देखो, टाइम ऑफ लो। क्रिएटिव थिंकिंग तभी होती है जब आपके पास में बहुत टाइम है, बहुत समय है, तो आप सोच सकते हैं कि मैं क्या करूं, मैं कहाँ रिस्क ले सकता हूँ, मैं कहाँ एक्सपांड कर सकता हूँ, मैं फंड्स कहाँ से ला सकता हूँ, लोगों को कहाँ से मैं इन्वॉल्व कर सकता हूँ, मतलब इस तरह के आप सोच सकते हैं, क्रिएटिविटी ला सकते हैं, रिस्क के बारे में, एक्सपांशन के बारे में सोच सकते हैं, और उसमें आपका टाइम दे सकते हैं, तो धंधा बड़ा होगा। आप ये छोटे मोटे काम में व्यस्त हो जाएंगे, आपको ऐसा लगता है नहीं ये तो मैं काम कर सकता हूँ, मैं बैठ के कर डालूंगा, इसके लिए आदमियों की जरूरत नहीं है, और आप आदमी अपॉइंट नहीं करेंगे। समझिए, खड़ा ड्राइवर है, जो ड्राइवर आपको 10,000 15,000 रुपये महीने में आ सकता है, और आप ड्राइविंग कर रहे हैं, तो आपकी लेवल 10,000 रुपये या 15,000 रुपये महीने की लेवल पे आपने ला लिया, आपको आपने वो 15,000 रुपये महीने का आपने बना लिया। तो आपके पास में समय भी होगा तभी आप ड्राइविंग नहीं करेंगे, आपके पास समय भी होगा तभी आप छोटे मोटे काम नहीं करेंगे, आप बैठ जाएंगे, खाली बैठेंगे, और वो जब भी आप करेंगे तभी आप कंपनी को बड़ा कर सकते हैं। तो आपको क्या करना है, सभी काम कंपनी के डेलीगेट करना चालू करना है, सभी काम डेलीगेट करो, सभी काम लोगों को सौंप दो, और सभी काम लोगों को सौंप देंगे तो आप खाली हो जाएंगे, आप खाली होंगे तो आप कंपनी बड़ी करेंगे, नहीं तो कंपनी कौन बड़ी करेगा। आप यदि दिन भर उसमें घुसे रहेंगे और वहीं सोचते रहेंगे क्या क्या करना क्या नहीं, और 10 से 6 वहीं अंतर्गत जो मामला है, इंटरनल मैनेजमेंट है, उसमें घुसे रहेंगे, और एक मैनेजर का काम करेंगे कि जो मैनेजर आपको 20-25 हज़ार रुपये महीने में मिल जाएगा, तो डेवलप कब करें धंधा। तो आपको सब डेलीगेट करना है और आपको फ्री रहना है, तो बी एन एंटरप्रेन्योर। ये वीडियो आप सभी लोगों को शेयर करो जिनको धंधा एक्सपांड करना है, कि लोगों को धंधा एक्सपांड करना है मगर लोग वर्कर बन के काम करते रहते हैं अपने धंधे में, धंधे से बाहर निकलना होगा। तो आपको और इससे जानकारी चाहिए तो आप हमारे वीडियो जो है अलग अलग मेरे चैनल के ऊपर वो आप देख सकते हैं। बाकी आपको कंसल्टेशन चाहिए मेरी ऑनलाइन, तो नंबर नीचे दिए हुए, वहाँ आप कंसल्टेशन कर सकते हैं। लोग ऑनलाइन कंसल्टेशन रोज मेरे साथ में करते रहते हैं। आप हमारा ऐप डाउनलोड कर सकते हैं, और हमारा जो मकसद है कि भारत का हर नागरिक व्यसन मुक्त होना चाहिए, मनोविकार ठीक होना चाहिए, बड़ा बिजनेसमैन बनना चाहिए, बहुत पैसा कमाना चाहिए, और शांति और सुख उसको मिलना चाहिए, उसमें आपका भी हाथ लग जाएगा। थैंक यू वेरी मच।